मेरा पैशन मेरी क्रॉकरी, मेरा शौक मेरी ट्रैवलिंग। तो आज एक नई ट्रैवलिंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि है ऑक्स बे की, जो कराची का सी पॉइंट कहलाता है, यानी कि साहिल समंदर, और बहुत ही अच्छा। तो चले हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को एंड तक देखें। और ये देख लो, हाँ भाई इमरान ने क्या खाया ना? अंडे अंडे अंडे। अब ये कौन से अंडे? अच्छा छोटा साइज। इमरान भाई हम जा रहे हैं ऑक्स बे। हाँ तो ये जावेद भाई जो है, कितने समोसे ले रहे हो जावेद भाई? मुंह से बोल दो, शक्ल नहीं दिखाना। छह समोसे। तो ये छह समोसे ले रहे हैं मुंह दिखाने से पहले। समोसे है ये देखो, दिख गया जावेद भाई, दिख गया। ये आ गया चेहरा, आ गया और ये देखो नाम है कुछ है। हर साल हम लोग जो है उनके समोसे या जब ऑक्स बे की तरफ जा रहे होते हैं, इतने बेहतरीन क्वालिटी के होते कि आपको हम तेल दिखा देते। दिख रहा हूँ। और ये अहमद स्वीट्स के नाम से, ठीक है। इस तरफ जब भी आपका आना हो तो आप यहाँ से समोसे, पकौड़े, रोल, चिप्स, जलेबी और मजीद आइटम आप ले सकते हैं। और ये रिफ्रेशमेंट शुरू हो चुका है, चलेंगे। और ये हमारे वाप तो है। हाय वाप, क्या हाल है? हाय, गुड बाय, बाय बाय। अच्छा जी व्यूअर, ये यहाँ पे नमक सारा तैयार किया जाता है, जिसे हम समंदरी नमक भी कहते हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सारा जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये सारा नमक है। और इस सारे नमक फैक्ट्री है, और ये पानी को स्टोर करते हैं, फिर इसमें से नमक निकालते हैं। और ये पानी भी जो है, ये ऑक्स बे के समंदर में से आ रहा है। ये बंद बना के सारे लोगों ने रोका हुआ, जो सारा वाइट वाइट आपको दिख रहा है, सब नमक है। ये हम लोग ऑक्स बे की तरफ, यहाँ से बस 5 मिनट की मुसाफत के सी साइड शुरू हो जाएगा, बल्कि ये समझ लें शुरू हो गया। ये अगर आपको दिख रहा हो समंदर नीला नीला, तो ये आपको समंदर दिख गया होगा, बिल्कुल साफ क्लीन क्रिस्टल क्लियर और ब्लू पानी। और ये हमारी, ये टटल बीच कहलाता है, ठीक है जी। ये है जनाब रोड की कंडीशन, बहुत अच्छे स्मूथली रोड बन गया है, कारपेट रोड बन गया है। और आप ये मछली की तरफ से उल्टे हाथ से सीधे चले जाएं, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो तकरीबन यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर कुछ पॉइंट बने हुए हैं, वो फैमिली के लिए परफेक्ट है। ये आपको ऐसे दिख रहा होगा गाड़ियाँ वगैरह, और ये पूरा वन वे है। अगेन मैं आपसे कहूँगा ड्राइव बहुत केयरफुली कीजिएगा। और ये जैसे आपको दिख रहे हैं छत बने हुए, अगर आप जैसे यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो ये आपको जैसे बिल्डिंग है, दिख रही है बिल्डिंग नहीं है, बेसिकली ये हट्स है। ये तकरीबन आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे पर नाइट के अंदर आपको मिल जाता है, यानी कि 24 घंटे के लिए आपको 3 से 4 हज़ार के अंदर ये अवेलेबल होता है। और ये इसकी पार्किंग वगैरह है, और ये आप देखें। अच्छा यही रोड अगर आप मनोड़ा जाना चाहते हैं ना, तो मनोड़ा तकरीबन यहाँ से 10 मिनट की मुसाफत है, 10 मिनट के मुसाफत के ऊपर तकरीबन कोई 8 किलोमीटर यहाँ से दूर है मनोड़ा, तो आप इजीली आप यहाँ से मनोड़ा भी जा सकते हैं। कुछ लोग जो है नेटी गेटी से जाते हैं मनोड़ा, तो कुछ लोगों को ये डर लगता है पानी के अंदर, तो आप फिर यहाँ से आ जाए। ये रोड बेस्ट है मनोड़ा जाने के लिए। हाँ वन वे है, लेकिन कार्पेटेड रोड है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। तो ये देखें हट्स वगैरह, मजीद हम आपको अपडेट देते रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब हम आ गए ऑक्स बे के अंदर। वेलकम टू ऑक्स बे। ये है जी ऑक्स बे की रेत, और ये है जी समंदर। तो ये है हमारा ऑक्स बे का पानी, बहुत साफ सुथरा पानी है, बिल्कुल क्लियर पानी है, बिना किसी फिल्टर मारे हम आपको दिखा रहे हैं, और लाइव व्यू दिखा रहे हैं, सूरज चाची को भी दिखा रहे हैं, और ये फैमिली वगैरह सारी इसमें इंजॉय कर रही है।
कराची ऑक्स बे, या पंजाब के अंदर रहते तो वहाँ पे समंदर नहीं है, समंदर सिर्फ कराची और बलूचिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर बस और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये आप देख रहे हैं लहरें वगैरह, और बहुत अच्छा कराची और बलूचिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर बस और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये आप देख रहे हैं लहरें वगैरह, और बहुत अच्छा पानी है, ठंडा भी है और ठीक है, ज़्यादा गुस्से में नहीं है, ज़्यादा ऊँची ऊँची लहरें नहीं है, और कोई नहाते वक्त यानी कि बीच में नीचे जो ज़मीन के अंदर खड्डे वगैरह आते हैं ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है, और कोई कंकर कोई पत्थर वगैरह नहीं है। तो आप आए फैमिली के साथ, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। हाँ तो इमरान में कैसा मज़ा आ रहा है? हाँ हाँ जावेद भाई मज़ा आ रहा है, पैसे वसूल। हाँ भाई अब्दुल वाब मजे आ रहे हैं। हाँ भाई सुफियान मजा आ रहा है। हाँ ये लहरें आ रही है, वीआईपी वीआईपी मजे ले रहे हो, वाह वाह भाई वाह वाह, पैसा वसूल है। हाँ रुक जा, टी शर्ट सीधी कर। ये जहांगीर 69, पानी नापने जाते हुए हाइट से अंदाजा होता होगा आपको, काफी एंजॉय करते हुए। तो नाजरीन ये बिल्कुल शार्क मछली बने हुए हैं अभी, देखें दो भाइयों की जोड़ी, माशाल्लाह अल्लाह नजरे बच्चे बचा। ये भांजा और अपने फन का मुजाहरा करते हुए ये जहांगीर देखें, ये बली का बकरा बनने जा रहा है। ओके अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? तो क्या चीज लेके चल रहे हो आप? बलोचिस्तान में किसको मारने गए प्रोग्राम में? एक मिनट जरा क्लोज शॉट देते हैं, भाई का क्या हाल किया हुआ मिट्टी मारवा के ये देखे। और ये वहाब, ये अब्दुल वाब सीखा है ये। और ये देख लो, हाँ भाई इमरान ने क्या खाया? अंडे अंडे अंडे। अब ये कौन से अंडे? ये शितर मुर्ग के थे या आधे आधे मुर्ग के हो गए? अच्छा छोड़ा हमारे पास शितर मुर्ग का भी है, शितर मुर्ग का भी दिखाएंगे। वो कहाँ अंडा है? ये देखो आप, आपको दिखाते हैं, ये शितर मुर्ग का अंडा है, इस साइज के लाए थे भाई। हाँ ठीक है, आते 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 ये साइज हो गया भाई, अपने बचा के सारे। पे आप देख रहे किनारे के ऊपर आया हुआ है, अभी उसको उठा के दोबारा हम जो है पानी के अंदर फेंकेंगे। तो ये गंद को उठा के फेंका जाए। अच्छा अच्छा जी, अभी ये रवानगी की तैयारियां है हमारी, और पानी जो है वो बिल्कुल ठहराव में आ गया है, और एक बहुत अच्छा मंजर हो गया, सन्नाटा है, चंद लोग हैं यहाँ पे, और ये सूरज को जैसे आप देख रहे होंगे ग्रूप होते हुए, ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, और ये ग्रूप हो रहा है।
और बस मगरिब का टाइम होने वाला है और बस तकरीबन 5 से 7 मिनट हम लोग यहाँ से रवानी मिलेगी। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, तो आप इसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जो है वो एक दफ़ा प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला हमारा हर नया व्लॉग नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपने इस प्यारे भाई जहांगीर को दीजिए इजाज़त, सांसों ने वफा करी, एक और अच्छे व्लॉग के साथ हम आपके सामने हाजिर होगी। ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ हमारे शौक को पूरा करना था और थोड़ा सा कराची को जहाँ तक हाईलाइट्स कर सकते थे हमने किया है, कोशिश करी है, पूरा कराची तो हम हाईलाइट्स नहीं कर सकते। तो चले अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।